उधर गांव है लेकिन वहां पे एक मंदिर बनाया गया है छोटा सा गांव के पास ही। तो इधर से रास्ता किधर से जाने के लिए आगे चल के देखते हैं। तो इधर गांव में नहीं जाऊंगा क्योंकि इधर जाने के लिए रास्ता गांव से होकर गुजरता है, तो मैं सीधे चला जाऊंगा। और ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से आ जा रही है। और ये जंगलों के बीच में ये गाँव बसा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इधर रोड पे माटी गिरा दिया गया है और कितना ज़्यादा इधर धूल उड़ रहा है। और देख सकते हैं इधर आप लोग और नहर के किनारे, तो उसी नहर से मैं आ रहा था। और देखिए अभी बड़ी गाड़ी इधर लगी हुई है, तो बड़ी गाड़ी आ रही है और इधर काफ़ी ज़्यादा धूल है। तो मैं अभी इधर से रास्ते से कटना पड़ेगा, इधर साइड हो जाता हूँ मैं। इधर इतना ज़्यादा धूल उड़ रहा है तो पूरा धूल चेहरे पे और शरीर पे आ रहा है। और इधर ट्रक से माटी गिराए जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पर माटी गिरा के अंदर नीचे सड़क थी, तो सड़क ख़राब थी तो लोगों ने यहाँ पे माटी भरवाया, जो सड़क का इसका काम अभी चालू है। आगे से रास्ता सही मिल जाएगा, थोड़ी दूर तक और लोग गिराए हुए हैं। तो आगे से चलिए, आगे से देखते हैं कितना दूर तक है। अभी इधर पूरा अभी माटी गिराए गए हैं। इधर आप लोग पीछे देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग पीछे देख सकते हैं जो माटी गिराया जा रहा है वहाँ पे। और रास्ता भी देख सकते हैं कितना बढ़िया रास्ता है, इस पर माटी गिरा के और इसको बढ़िया बनाया जा रहा है। तो नहर मैंने अभी छोड़ा नहीं है, मेन रोड आया था जो दुधई जाने वाला, दुधई से गोपालगंज, उस रास्ते को छोड़कर मैं ये रास्ता पकड़ लिया हूँ। तो यही नहर वाला रास्ता है, जो नहर वाला आप लोग देख रहे थे काफ़ी बढ़िया रास्ता था। तो इधर अभी इसमें भी पानी बहुत कम है और अभी करीब मैं 1 बजे निकला था वहाँ से, और अभी करीब 1:40 हो रहे हैं। और इधर पूरा खेत है, देख सकते हैं। तो मैं इसी रास्ते जा रहा हूँ। अभी एक आगे और पुल है, तो हमारा 6ठा पुल है। और आगे इसके आगे शायद एक मंदिर मिले, तो मंदिर के पास हम लोग ज़रूर रुकेंगे। और हवा चल रही है, पीछे से हवा ठेल रहा है, तो साइकिल काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहा है। और धूप इस तरफ है, तो इस तरफ से साफ नहीं अभी आ रहा है। इधर देख सकते हैं पूरा चारों तरफ खेत है, और यहाँ पर कुछ घर है और गांव भी है। तब आगे चलते हैं, हम दिखलाते हैं आप लोगों को पुल। तो ये है पुल, देख सकते हैं। ऐसे ही पुल मिला हमको एक और वहाँ पे, जो दूसरा नंबर पुल था वहीं मिला। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पुल, और इधर रास्ता है गांव में जाने के लिए। और ये इधर तो नहर है, नहर तो हमको भी छोड़ना नहीं, नहर को नहर के रास्ते से ही चलना है। तो ये पुल अभी दिखलाते हैं आप लोगों को। ये रास्ता इधर ज़्यादा ख़राब है, तो ये पुल के शायद नीचे उतरेंगे उस रास्ते से चल के। यहाँ पे कुछ टाइम मैं रुकूँगा और तब जाकर उधर चलूँगा। तो उतरने का के लिए भी इधर से सीढ़ियाँ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इधर तो पानी है काफ़ी ज़्यादा, और इधर देख सकते हैं इधर पुल है। तो पुल के उस साइड चलता हूँ, दिखलाता हूँ उस साइड क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रहने के लिए बनाया गया है, और इसमें कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं पुल में अंदर। यहाँ सब लोग दिख सकते हैं। तो ये एक बरगद का पेड़ है, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, आगे चल के दिखलाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पुल यही है। तो इधर से है सीढ़ियाँ उतरने के लिए, तो मैं उस रास्ते से आया हूँ। और इधर देख सकते हैं कम पानी है, इधर ये पुल है, तो ये दूसरा पुल है।
और नीचे फाटक भी लगा हुआ है। तो फाटक उठाया जाता है कब, जब इसमें पानी ज़्यादा होता है तब इसमें फाटक उठाया जाता है। नीचे आप लोग देख सकते हैं कितना कम पानी है। तो ये सीढ़ियाँ है नीचे उतरने के लिए, और इधर से पुल देख सकते हैं, इधर है पुल। तो सीढ़ी है इधर से उतरने के लिए, और मैं उस रास्ते से आया हूँ तो पुल को पार करके यहाँ से आया हूँ। तो ये बनाया गया है, चारों तरफ से घिराट हुआ है, तो रास्ता उधर से आने के लिए। और ये पूरा इधर से फाटक है, उधर फाटक है, वहाँ पर फाटक देख सकते हैं। तो यहाँ से उठाया जाता है, और वहाँ पे जो रहते हैं कुछ लोग वहाँ पे। तो मैं ये आपको पूरा दिखा देता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को मैं कमेंट करके बताया कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा। अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है तो यहाँ से निकलना है, अभी करीब 1:45 हो रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं। अभी मैं नीचे उतरता हूँ, इधर से सीढ़ियाँ है नीचे उतरने के लिए। तो अभी आप लोग को दिखा सकता हूँ, ये है नीचे उतरने के लिए सीढ़ी, और ये रहा पुल। तो इसका आप लोगों ने पूरा देख लिया। तो अब छोटा सा है ये, काफ़ी अच्छा इधर का अंदर का नीचे का सीन है। वो फाटक है और नीचे सीढ़ी काफ़ी अच्छा तरीके से बनाया गया, लेकिन ये टूट चुका है अभी, तो ख़राब हो चुका है। नीचे सीढ़ियाँ ख़राब हो चुकी है, तो नीचे नहीं जाऊँगा। अब चलिए यहाँ से ऊपर चलता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पीछे पुल है जो मैं वहाँ पर रुका था, तो वहाँ से अब जा रहा हूँ वापस। और अभी इस टाइम पे 2 बज गए हैं, धूप काफ़ी तेज़ है। इधर एक गांव है छोटा सा, और इसी रास्ते से भी काफ़ी दूर जाना है, तो वहाँ से निकलूँगा दूसरे रास्ते से। तो उधर आपसे ज़रूर बात करते हुए चलूँगा। तो धूप काफ़ी तेज़ है और प्यास भी लग गई है इस समय। और इधर ये नहर के किनारे से रास्ता है, तो ये रास्ता टूट चुका है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो चुका है रास्ते, तो आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि रास्ता कितना ख़राब है। पहले रास्ते से जो मैं निकला था नहर के किनारे, अभी मेन रोड के उस साइड था, तो रास्ता काफ़ी बढ़िया था, लेकिन इस तरफ रास्ता बढ़िया नहीं है, इधर रास्ता पूरा ख़राब है, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। और यहाँ आप लोग देखेंगे इधर पेड़ पौधे हैं। तो जहाँ से मैंने ये नहर का रास्ता पकड़ा उधर से पूरा ये पेड़ पौधा इधर ऐसे ही है, केवल इधर सागवान का पेड़ है इधर। और हवा अभी पीछे से ठेल रही है, जल्दी जल्दी मैं आगे जा रहा हूँ। और इधर देख सकते हैं आगे भी एक गांव है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, अब यहाँ से निकलता हूँ, आगे थोड़ी देर के लिए बाद में रुकूँगा। अब यहाँ से मैं आप लोग को दिखलाऊँगा, उधर आप लोग देख सकते हैं ये 8वां पुल है, और यहाँ पर ही मंदिर है, जो मैं इसी मंदिर के बारे में बात कर रहा था। तो इधर पेड़ है, तो मंदिर है, उस मंदिर के पास चलते हैं। तो इधर एक बड़ा सा तालाब है नहर के उस साइड, उस रोड के किनारे, और इधर जंगल है, इसके बगल में उधर एक बड़ा सा जंगल है, उधर गांव नहीं है, एक बड़ा सा तालाब है और उधर एक जंगल है काफ़ी बड़ा, इसमें केवल बड़े बड़े वृक्ष हैं तालाब के उस पार। शायद इधर कोई बड़ा जंगल है, और इधर है मंदिर। तो मंदिर के पास मैं चलता हूँ और कुछ टाइम पर रुकूँगा वहाँ पे। तो ये मंदिर काफ़ी अच्छी तरीके से बना दिया गया है, पहले तो नहीं बनाया गया था, पुराना था, तो इसको पेंट करके काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। और ये देख सकते हैं इधर पुल। तो मैं चलता हूँ इस मंदिर के पास पुल को पार करके, और ये मंदिर का वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो देख सकते हैं, वहाँ पर है मंदिर, और काफ़ी अच्छी मंदिर है यहाँ पे बनाई गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर तो खुरा है। तो आ गया मैं मंदिर के पास, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मंदिर खुला हुआ है।
तो ये मंदिर का गेट है, मेन गेट, और इधर है ये नहर, गंडक नहर है, और गेट है, यहाँ से गेट है, और इधर भी छोटा सा गेट है, ये बड़ा वाला गेट है, और इधर से छोटा वाला गेट है, और यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, ये सब आम के वृक्ष हैं, बगल में और भी कुछ पौधे लगाए गए हैं। तो इस मंदिर के अंदर चलता हूँ, अभी दिखलाता हूँ इस मंदिर के अंदर क्या है। अभी मैं मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ, तो गेट है अंदर जाने के लिए ये, और एक छोटा सा गेट उधर से है, तो मैं चलूँगा इस गेट से अंदर। तो इसका मैं पूरा वीडियो दिखलाता हूँ, अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट किए हैं इस मंदिर को देखने के लिए तो जरूर देखिएगा। इधर है गंडक नहर, जो नहर का रास्ता मैं पकड़ कर आया हूँ, और ये है गेट अंदर जाने के लिए। अभी यहाँ पे दोपहर का समय है, अभी 2 बज रहे हैं, तो इधर अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो अभी चलते हैं इस मंदिर के अंदर, दिखलाते हैं मंदिर के अंदर क्या है। तो वीडियो में बने रहिए, तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं।